छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार प्रदेश में गुड गवर्नेंस का नया और बेहतर मॉडल स्थापित करने पर जोर दे रहे हैं और इस दिशा में वो लगातार नए नवेले प्रयोग भी कर रहे हैं। सुशासन के मॉडल की अगली कड़ी में मुख्यमंत्री ने एक और अहम कदम उठाया है जिसे तीसरी आंख कहा जा रहा है। इस तीसरी आंख से सरकार पूरे सिस्टम की मॉनिटरिंग करेगी। साय सरकार ने अब अटल मॉनिटरिंग ऐप का नया मैकेनिज्म तैयार किया है। इस ऐप का इस्तेमाल खास तौर पर सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत देखने के लिए किया जाएगा, यानी अब जनता से जुड़ी हर योजना पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री सचिवालय की नजर बनी रहेगी। ऐप के जरिए मुख्यमंत्री को पता चलता रहेगा कि किस योजना पर किस स्तर पर काम हो रहा है, कितना काम हुआ है और काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा, यह भी सीधे मुख्यमंत्री देखेंगे। भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की 6वीं पुण्यतिथि के मौके पर देखिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 25 दिसंबर 2023 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती यानी सुशासन दिवस पर गुड गवर्नेंस का संकल्प लिया था। इसी के तहत अटल मॉनिटरिंग ऐप की लॉन्चिंग की गई है जिसका पूरा कंट्रोल खुद मुख्यमंत्री अपने हाथ में रखेंगे, यानी मुख्यमंत्री सचिवालय के पास इसकी डोर होगी। मुख्यमंत्री के सचिव आईएएस पी दयानंद, आईपीएस राहुल भगत और आईएएस बसव राजू एस अटल ऐप की कमान संभालेंगे। ऐप के जरिए सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखी जाएगी। मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजनाओं की एक अलग कैटेगरी बनाई गई है। इस ऐप पर योजना की प्लानिंग से लेकर उसके क्रियान्वयन तक पूरी जानकारी उपलब्ध रहेगी। विभागीय अफसर योजनाओं के क्रियान्वयन की अच्छी रिपोर्ट सरकार को सौंपते हैं, लेकिन उनकी असलियत कुछ और ही होती है। इसी गैप को दूर करने के लिए अटल मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च की गई है। अटल ऐप के जरिए योजनाओं पर मुख्यमंत्री की पैनी और सीधी नजर रहेगी। अब इस ऐप की जरूरत क्यों पड़ी वो भी आपको बताते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने जब से जन दर्शन कार्यक्रम शुरू किया है तब से उनके सामने नौकरशाही के कामकाज की असलियत सामने आ गई। जन दर्शन कार्यक्रम में लोग मुख्यमंत्री के सामने छोटी मोटी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं, यानी लोगों की छोटी सी छोटी समस्या का समाधान उनके वार्ड तहसील या ब्लॉक कार्यालय में नहीं हो पा रहा है, जो चिंता का गंभीर विषय है। जो समस्याएं पार्षद और तहसीलदार स्तर पर ही दूर हो जानी चाहिए वो सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है। राशन कार्ड से लेकर पेंशन ना मिलने, सड़क बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जनता से ये भी जानने की कोशिश की कि उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच पा रहा है या नहीं, छोटे छोटे काम के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं, कहीं भ्रष्टाचार व्याप्त है, कहीं अफसरशाही, लोगों का राशन कार्ड कोई बीच में ही खा लेता है। इन तमाम समस्याओं से दो चार होते हुए मुख्यमंत्री ने अब योजनाओं की मॉनिटरिंग का जिम्मा खुद उठाया है। इसी वजह से वो अटल मॉनिटरिंग ऐप का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। अब मुख्यमंत्री ने सुशासन के लिए क्या कदम उठाए हैं उन पर भी नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री ने अलग से सुशासन विभाग का गठन किया है। योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए और जमीनी क्रियान्वयन की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए अटल मॉनिटरिंग ऐप तैयार किया गया है। हर विभाग में 266 करोड़ रुपए के आईटी टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है। अलग अलग विभागों में विजिलेंस सेल का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने खुद जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके अलावा हाल ही में 15 दिन तक जन समस्या निवारण पखवाड़ा चलाया गया है। हर जिले का जिम्मा एक आईएएस अफसर के हाथों में दिया गया है। खनिजों के परिवहन के लिए ई ट्रांजिट पास अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी विभागों में जैम पोर्टल से ही खरीदी की जाएगी ये व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। तहसीलदार को राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान का पूरा अधिकार दे दिया गया है और आबकारी नीति में शराब की सीधी खरीदी कंपनियों के माध्यम से की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के इन प्रयासों से आम आदमी को कोई राहत मिलेगी। दरअसल मुख्यमंत्री के इन कदमों से आम आदमी को राहत मिलनी तो चाहिए, लेकिन अफसरशाही कहीं ना कहीं कोई गफलत कर देती है। अब ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि सरकार कोशिश तो करती है लेकिन उनकी इस कोशिश पर नौकरशाही पानी फेर देती है। मुख्यमंत्री के सुशासन के प्रयासों की तारीफ तो तभी बनती है जब ये तमाम प्रयोग कामयाब हो पाए और आम आदमी को समस्याओं से निजात मिल सके।
बहरहाल राज्य में सुशासन का मॉडल स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार नए नवेले प्रयोग कर रहे हैं, जिनके असर अभी ना सही लेकिन बाद में जरूर नजर आएंगे। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।